बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट, मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे। आज जो मेरे साथ बैठे हैं यासिर हमीद, ज़रा फासले पर भी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वी आर मेंटेनिंग। इशू बड़ा सादा सा है, आपने हाल ही में सुना होगा, वीरेंद्र सहवाग भारत के साबिक टेस्ट ओपनर, उन्होंने यासिर हमीद को याद किया। बेंगलोर का एक पाकिस्तान का दौरा था भारत का, तो उसमें यासिर हमीद साहब बहुत तंग कर रहे थे उन्हें फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे खड़े हुए, उस पर हम बात करेंगे। यासिर भी पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेले हैं, वनडे भी खेले हैं, 25 टेस्ट मैचेस खेले हैं, तकरीबन 50 के लगभग वनडे भी खेले हैं, 200 प्लस फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 12,000 प्लस इनके फर्स्ट क्लास में रन हैं। क्या इन्होंने आगाज़ किया था अपना 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचेस में, 2 सेंचुरीज ऑन डेब्यू, और उस वक्त तो मुझे याद है कि दुनिया में ये दूसरे टेस्ट खिलाड़ी थे। बाकी भी इनसे पूछेंगे। यासिर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नेशनल स्टेडियम में ही बैठे, याद आते हैं वो 2 सेंचुरीज? 170 थे एक तो। जी बिल्कुल, 170 और 105, बिल्कुल आपको पता है, इस तरह लगता है कल की बात है जब आए, तो अच्छे दिन थे, अच्छा टाइम था और अच्छी यादें हैं, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, फिर आपको ये सहवाग ने याद कराया, आपको याद है 2005 का तो नहीं, मेरे ख्याल 6 का दौरा था इंडिया का, वो उसी में हुआ था बेंगलोर टेस्ट के अंदर कुछ? जी बेंगलोर टेस्ट था बिल्कुल, और वो काफ़ी सेट खेल रहा था, मेरे ख्याल से 100 किए हुए थे उसने, और वो गुनगुना रहे थे कुछ, और मैं क्योंकि शॉर्ट लेग पे था और स्पिनर्स दोनों एंड रहे थे, और क्योंकि बैट्समैन के आप साथ वॉक बात भी करते हो तो गुनगुना रहे थे, तो एक दफ़ा मैंने सुना, फिर दूसरी दफ़ा सुना, फिर वो गुनगुना रहे थे मेरी तरफ मुँह करके गुनगुना रहे हैं, तो मैंने कहा आप क्या गुनगुना रहे हैं? तो कहते हैं मैंने कहा आप तो बहुत अच्छा गाते हो, तो कहते हैं सुनना है कुछ? मैंने कहा हाँ सुना दें। क्या सुनना है? मैंने कहा किशोर कुमार सुना दें। तो फिर उन्होंने मुझे कोई गाना सुनाया था, मुझे याद नहीं है कौन सा गाना था। तो अब आप ये पूछें आवाज़ कैसी थी? आप बताएं आवाज़। बस ठीक थी, अच्छी थी आवाज़, लेकिन वो उन्होंने वो कल मैं देखा है, उन्होंने इस पर बात की है, तो उनकी इससे इसके बाद भी एक MCL जब खेल रहे थे, तो मेरे ख्याल से उनकी आदत है, वो अपने आप को रिलैक्स करते हैं कोई गाना गा के, तो वो एक हुआ था, बिल्कुल एक इंसिडेंट हुआ था। और भी इस तरह से आप लोग करते रहते हैं कि इंडिया के प्लेयर्स के साथ हैं आपकी दोस्ती वोस्ती? उस वक्त भी थी, अब भी है? ग्राउंड में तो गपशप लगी रहती थी, और जिस तरह युवराज अक्सर बात करता था आके, हरभजन, नेहरा, इरफान पठान, और सीनियर प्लेयर्स में भी सौरभ गंगुली से भी काफ़ी दफ़ा बात हुई, ऑफ द फील्ड भी, इन द फील्ड, VVS लक्ष्मण, इन सब से मतलब बातचीत तो चलती रहती थी। ड्राइवर थोड़ा सा बात नहीं करते थे, वो काफ़ी सीरियस रहते थे बाकी, और सचिन का भी ये होता था कि वो बात कम ही करते थे, बाकी लड़कों के साथ बात होती रहती थी। ये ऑन फील्ड मजाक भी इस तरह इस लेवल का मजाक होता था कि गाने सुना रहे हैं या और भी कुछ कहते थे? अब ये तो ज़बान एक ही है, तो हो सकता है कुछ ऐसे लफ्ज़ भी कहते हों जो नहीं, ये तो एक ऐसी चीज़ थी कि ज़ाहिर है वो बहुत ही धीमी आवाज़ में गुनगुना रहा होता था, और जो स्टम्प कैम जो उसका जो माइक होता है उसमें भी वो आवाज़ नहीं आती, तो लेकिन मैं जब बॉल खेलता था और कोई गाना गा रहा होता था, मतलब इतना सेट खेल रहा था वो उस वक्त, और शॉट्स भी मार रहा था। मुझे याद है कि उसने एक दफ़ा कैप्टन अब इंजी भाई थे या यूनुस भाई थे, यूनुस भाई तो नहीं, इंजी भाई थे, लेकिन इंजी भाई प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मिड ऑफ का फील्डर ऊपर बुला लें, इस बॉल के लिए बुला लें, एक शॉट मारने को दिल कर रहा है, छक्का मारने को दिल कर रहा है। तो इंजी भाई ने फिर उसे कहा कि ऊपर बुला लूँगा मैं, लेकिन फिर शॉट मारोगे रोकना नहीं है। तो उसने कहा ठीक है मैं रोकूँगा नहीं। तो फिर जब उसको ऊपर बुलाया गया, तो फिर दानिश मेरे ख्याल से बॉल कर रहा था, दानिश से पूछा इंजी भाई, इंजी भाई ने कहा एक मिनट, एक बॉल के लिए खैर, इंजी भाई ने उससे कहा कि शॉट मारिए, फिर उसने शॉट मारी थी। तो वो उसकी थी, वो उसकी आदत थी, इस तरह वो गपशप लगाता रहता था ग्राउंड में। और कौन मतलब और पाकिस्तान के को और प्लेयर्स थे जो कि इतना ज़्यादा गपशप करते थे फील्ड में? हमारे जो यूसुफ भाई थे वो बहुत ज़्यादा उनके साथ फ्रीली गपशप लगाते थे, शुएब मलिक बहुत ज़्यादा बात करते थे उनके साथ, शाहिद भाई का तो एक अपना एक स्टाइल था, वो उनके साथ गपशप तो लगी रहती थी। राइवलरी अपनी जगह होती है, प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह होता है, लेकिन एक प्लेयर की अपनी एक लाइफ भी होती है, उसको इन्जॉय करना चाहिए, और प्रेशर इस तरह आपके नर्व्स रिलैक्स होते हैं, प्रेशर रिलीज़ होता है, और क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है
उस पर कितनी ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, प्लेयर्स पे ऑब्वियसली एक अपनी परफॉर्मेंस का भी प्रेशर होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है गेम का बड़ा खूबसूरत हिस्सा है। तो मैच के बाद क्या करते थे, आपस में मिलते थे, जाते थे? नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं होता, लेकिन कहीं पे ऑफिशियल डिनर होते थे, फिर मुलाकात होती थी ऑफ़ द फील्ड, और कहीं पे अक्सर इस तरह होता था कोई डिनर्स वगैरह, इस तरह कोई हाई कमीशन के डिनर या कोई और इस तरह का ऑफिशियल डिनर्स जो होते हैं, तो उस पर फिर मुलाकात होती थी। अभी तो है कोई उस वक्त का आपका प्लेयर आपसे अभी तक रबते में हो? ट्विटर पर होती रहती है, एक दूसरे को लाइक वाइक चलते रहते हैं एक दूसरे की ट्वीट। कौन पसंद है आपको आजकल जो बैट्समैन है इंडिया के? जो आजकल बैट्समैन है तो उनकी तो बैटिंग बहुत अच्छी है, जिसमें उनके यंगस्टर्स भी अच्छे आ रहे हैं। ऑब्वियसली विराट कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बहुत मेहनती, बहुत मेहनत करते हैं वो, उनके बैट्समैन, उनकी टेक्निक्स अच्छी हैं बहुत, क्योंकि उनकी पिचेस जो हैं उनको बड़ा सूट करती हैं, उसमें वो अपने आप को बहुत जल्दी कम्फर्ट जोन में लेते हैं। रोहित शर्मा एक बहुत अच्छा प्लेयर है, ईजी ऑन आइज, गुड टू सी। दिल करता है कॉमेंट्री में आ गए, अब आप दिल करता है कि इंडिया के किसी मैच पे कॉमेंट्री करें? बिल्कुल, डेफिनेटली, क्यों नहीं। और अब क्योंकि कॉमेंट्री में आ गया हूँ तो जो इनसाइट है क्रिकेट की, वो एक नेचुरल जो आपको एक क्रिकेट खेल खेल के आपके अंदर एक चीज़ आ गई होती है, तो उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, इन्जॉय कर रहा हूँ। अभी कायदेम ट्रॉफी कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट लिया है, 3 मैचेस किए हैं, लेकिन डे बाय डे मुझे मज़ा आ रहा है इसमें। अच्छा, अब चलते सहवाग को भी गाना सुना दें यार आप सहवाग को खैर सुना देंगे, कभी ऐसा मौका आया तो कहीं सुना गया फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने उसे सुना दिया है। चले फिर हम एक नया एपिसोड करेंगे, खैर फ्री हिट की इस एपिसोड से इजाज़त चाहूँगा। यासिर हमीद हमारे साथ हैं। आजकल क्रिकेट तो इन्होंने खेल ली, जैसे मैंने कहा 25 टेस्ट मैचेस खेले, कम खेले जो इनका टैलेंट था उस वक्त, लेकिन अब ये पाकिस्तान के प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायद अजम ट्रॉफी पे रेगुलर कमेंट्री कर रहे हैं, एक्सपर्ट एनालिसिस भी देते हैं मैच के बाद, मैच से पहले। तो ये एक नए करियर की तरफ ही आए हैं, इनको नेक तमन्नाएं हमारी जानिब से, देखने का शुक्रिया। खुदा थैंक यू।